नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज के इस मशीनी युग में जहां हम मशीन्स के साथ ही रहते हैं और धीरे धीरे मशीनी बनते जा रहे हैं, ऐसे में स्क्रीन का यूजेज बहुत ज़्यादा हो गया है, चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन है, टेलीविजन की स्क्रीन है या फिर आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन है। और स्क्रीन का यूज़ करते करते हम भूल गए कि आँखें मन का दर्पण है और आँखों के बिना जीवन अधूरा है। हम अपनी आँखों के साथ ज़्यादती करने लगे हैं। ऐसे में आँखों को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। आँखों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं हम, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। आपको बनाना है 20-20 का रूल, यानी कि अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन का यूजेज करते हैं, बहुत देर तक स्क्रीन को लंबे समय तक देखते रहते हैं, तो 20-20 का रूल बना लीजिए और हर 20 मिनट के बाद स्क्रीन से अपनी आँखों को हटाइए। आपके दफ्तर में कोई खिड़की होगी या अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो घर में भी कोई खिड़की होगी या जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, जितनी दूर तक आप देख सकते हैं उतनी दूर देखिए। अगर हरियाली को देख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर हरियाली नहीं है तो जितना भी दूर आप देख सकते हैं उतना दूर देखें और अपनी आँखों को लगभग 30 सेकेंड तक इस प्रकार से ब्लिंक करते रहें जैसे हम ब्लिंक करके आपको दिखा रहे हैं। ब्लिंकिंग करते जाएं 30 सेकेंड तक और 30 सेकेंड ब्लिंकिंग करने के बाद इस प्रकार से अपनी हथेलियों से कटोरी बना लेंगे और इस कटोरी को अपनी आंखों पर टिका देंगे। आंखें बंद कर लेंगे, यानी पहले आंखें खुली रहेंगी फिर आंखें बंद कर लेंगे और हथेलियों को हटा देंगे। अब यहां पर आपको कोई ना कोई कलर नजर आएगा, या तो येलो का शेड या ऑरेंज का, उस पर थोड़ी देर के लिए कलर मेडिटेशन करेंगे। मन को शांत रखते हुए पूरा ध्यान इस रंग पर टिका दें, धीरे धीरे से आंखें खोल लेंगे। ये 20-20 का राउंड आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। साथ में गर्मियों में आंखें जलने लगती हैं, आंखों में जलन होने लगती है। ऐसे में यदि आपको शुद्ध गुलाब जल मिले तो उस गुलाब जल के एक एक बूंद आप अपनी आंखों में डाल लीजिए, बट शुद्ध गुलाब जल होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। साथ में अगर आंखों में बहुत जलन हो रही है तो खीरे के 2 स्लाइसेस लीजिए और अपनी आंखों को बंद कीजिए। खीरे के स्लाइस आंख पर रख लीजिए, थोड़ी देर के लिए कमर के बल लेट जाएं, विश्राम की स्थिति में आ जाएं। और अगर खीरा भी नहीं मिल रहा है तो आप तो 2 कॉटन बॉल्स ले सकते हैं, उनको गीला कीजिए, अपनी आंखों पर रख लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ी ब्रेथ अवेयरनेस कर लीजिए इस अवधि में और फिर इन कॉटन बॉल्स को हटा दीजिए। यदि संभव हो तो हरी घास को कम से कम सुबह उठ करके थोड़ी देर ज़रूर देखें, या ओस जिस घास पर पड़ी है उस पर नंगे पैर ज़रूर चलें। ऐसा करने से आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहेंगे।